पूरा, तीन चार कॉपी, सारा न्यूमेरिकल साल था पूरा, लगाना है, कोई न्यूमेरिकल कहीं छूटता नहीं था कि ये छूट जाए, आज छूट गया, तीन चार दिन बाद लगाए, लगाना था पूरा सारा न्यूमेरिकल, थ्योरी भी दोहरा रहे थे, थ्योरी भी तैयार, कई कई बार लिखना पढ़ना उसको, पढ़ के फिर करना लिखना सब रहता था फिजिक्स में। ये था कि सबसे बड़ा जो इनका कहना है कि सबसे बड़ा रोल है वो न्यूमेरिकल का है, क्योंकि थ्योरी सबकी तैयार हो जाती है, जो तुम्हारा पोजीशन डिसाइडर होगा, जो तुम्हें रैंक पे पहुंचाएगा, वो चीज न्यूमेरिकल है। और किसी कंपटीशन में किरचाप का पहला नियम लिखने को कभी नहीं पूछा जाएगा ना, कि दूसरा नियम पूछ लेगा कि इसी तकरो की अविरतता का नियम ये होता है, ऐसा तो कभी नहीं आएगा। तो कंपटीशन में जो कुछ भी आएगा वो थ्योरेटिकल पोर्शन से कनेक्टेड न्यूमेरिकल आएगा, उसी से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल पे सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो एक दिन में डेवलप नहीं होगा। न्यूमेरिकल तुम सोचो कि हम परीक्षा की रात में पढ़ के कुछ कर लेंगे, तो कभी नहीं हो सकता है। न्यूमेरिकल एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो तुम पहले दिन से शुरू करते हो और तब तक शुरू रहती है जब तक तुमको फिजिक्स का आखिरी मुकाम नहीं मिल जाता है, तुम्हारा पेपर खत्म नहीं हो जाता है, तब तक तुमको न्यूमेरिकल पढ़ने की कंटिन्यू जरूरत होती है। और उसके लिए इन्होंने सबसे बेस्ट बताया कि हर टाइम हम अवेलेबल नहीं हो सकते, तुम घर पे लगा रहे हो, तो मैं अभी बता रहा हूँ किरचाप का नियम, तुम एटलीस्ट बुक उठाओ और जो जो सवाल उनको लग रहा है किरचाप के नियम पे उनको सॉल्व कर डालो आराम से। अगर उनको सॉल्व करोगे तुम, तो तुमको लगेगा कि ये सवाल नहीं आया, तो वो तुम पर्सनली उस दिन पूछ सकते हो। अब उनको 5 महीने बाद वो सवाल नहीं आएगा तो तुमको भी एक हेजिटेशन फील होगा, और मुझे बताने में भी थोड़ा लगेगा कि हम जुम्बक पढ़ा रहे, पता नहीं कहाँ किरचाप का नियम लेके टहल रहे हैं। मुझे बताने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, उस टाइम पे फ्लुएंसी कुछ दूसरी चीज रहती है और तुम कोई दूसरा चीज कनेक्टेड रहोगे, तो ये लगता है कि थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन चल रहे हैं ये। तो उसके लिए बेस्ट उपाय कि एक अपनी कॉपी खरीद लो, रफ वेयर जो भी, और न्यूमेरिकल को एक तरफ से कंटिन्यूअसली सॉल्व करो। रटना नहीं है कि तुम सॉल्व करो और बैठ के फिर दूसरे दिन दोहराओ, तीसरे दिन दोहराओ, उसे नहीं दोहराना है। वो तुम्हारा एक प्री प्लान मटेरियल है पढ़ाई के लिए, स्टडी मटेरियल हो गया। फिर जब इन फ्यूचर कभी हम पढ़ रहे हैं, मुझे समस्या हुई किसी चीज में, तो मैं उसको उठा के आराम से देख सकता हूँ। तब भी नहीं समझ में आया तो मैं तो रहूंगा ही हमेशा यहाँ पे जब तक हूँ, ठीक। तो ये इनका फेस का मटेरियल था। दूसरा चीज, सबसे बड़ा चीज इनका बायो, बायो ग्रुप वालों के लिए कोई खासा कोचिंग नहीं चलती, फिजिक्स केमिस्ट्री तो अवेलेबल है, तो बायो के लिए तुम्हारी क्या प्रिपरेशन स्टडीज है? वर्ड बाय वर्ड पढ़ना, पूरी बुक का एक भी लाइन बायो में मैंने मिस नहीं किया था, मैम की किताब थी, पूरी बुक का एक भी लाइन मिस नहीं था, कुछ लेसन ऐसे तैयार थे कि लाइन टू लाइन तैयार था लेसन। बायो पे सबसे ज्यादा मेहनत किया था मैंने, हमेशा बायो में मिलता था नंबर, कट जाता था कहीं कहीं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि बायो में पूरा नंबर लेके आए। 11th में लाए भी थे लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पूरी बायो में चित्र वगैरह का, डायग्राम वगैरह पूरा एकदम बनाना, सारा कुछ तैयार रखना, चक्र वगैरह भी हैं, सी थ्री, सारा वर्ड बाई वर्ड, पूरी बुक का नोट्स वगैरह का सहारा कभी नहीं बायो में, केवल बुक, बायो के लिए क्या है, जो लोग बायो ग्रुप के उन लोग के लिए कि तुम अगर नोट्स बनाओगे तो विद इन लिमिट रहोगे, नोट्स कितनी बना सकते हो, पूरी किताब थोड़ी छाप लोगे कॉपी में, तो फायदा क्या हुआ। नोट्स तुम पॉइंट वाइज बना सकते हो, बाकी तुमको पढ़ना और हाईलाइटेड करके पढ़ना बुक से ही है, उनको लाइन टू लाइन, क्योंकि हर एक लाइन में कुछ ना कुछ मतलब है कि कौन सी जो भी होता हो, मुझे बायो के बारे में अनुभव नहीं है, तो जो कुछ भी है तुमको हर एक लाइन में कुछ ना कुछ खास होता होगा उसमें, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हर एक स्टेप टू स्टेप तुमको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं 4 लाइन मिस करके, कोई सवाल तो है नहीं कि y बराबर mx प्लस c याद कर लो तो m का मान x का मान c का मान रखना है, तो ये नहीं है बायो। बायो के लिए तुमको एक कंटिन्यूअसली तुमको बुक से पर्टिकुलर पढ़ना पड़ेगा, जो भी उनका सजेशन बुक रहा हो, मैम का या इनका रहा हो, उस पर्टिकुलर बुक से तुम कंटिन्यूअसली पढ़ो एक एक लाइन। अब सोचो तुम परीक्षा की रात में एक तरफ से बुक नहीं पढ़ सकते हो ना, तो ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोग्राम है, तुमको लगातार पहले दिन से जो पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सजीव या जो भी चैप्टर हो तुम्हारे यहाँ पे, उस चैप्टर को हार्मोन्स, तो हार्मोन्स का हर एक लाइन पढ़ो अपना, हर एक लाइन पे जो तुमको खास देखे हाईलाइटेड करके हाईलाइट कर लो। बायो में तो क्लास में कभी कोई टीचर ऐसा नहीं है जो क्लास में खत्म कर दे बायो पूरी पढ़ा के, वर्ड बाय वर्ड पूरा कोई नहीं खत्म कर सकता, तो बायो तो खुद से ही पढ़ना रहता है, टीचर की गाइडेंस तो पूर्णिमा मैम थी पूरा बताने के लिए। हम भी पढ़ते थे जहाँ जो मैम जो छोड़ भी देती हैं क्लास में, छोड़ देती थी उसको हम पढ़ के आते थे, क्लास में नहीं पूछते थे, बाहर जाके पूछते थे मैम से, जो मैम छोड़ देती हैं कई कई चीज़ें छोड़ देती हैं, जो इम्पोर्टेंट मैम को नहीं रखता उसको दे देते हैं, लेकिन हम लोग के लिए तो सब इम्पोर्टेंट है, आगे भी जाना, आगे की प्रिपरेशन के लिए होता है, तो मैम से मदद लेते थे, लेकिन एक दिन बाद मैम छोड़ दी हैं, मैम बताती थी कि हाँ ये छोड़ रहे हैं, तो एक पढ़ के आते थे हम घर से उसको, एक दिन पहले ही पढ़ लेते थे जो लेसन मैम पढ़ाना है मैम पढ़ाना, तो जो मैम छोड़ दें उसको बाहर क्लास में नहीं पूछते।
बाहर चले जाते मैं खाली रहता था पीरियड, चौथा पांचवा पीरियड मैं खाली रहता था, किसी में जाके मैं पढ़ लेते मैं। तो ये इनका था बायो का स्ट्रेटजी कि जो भी छूट जा रहा है उसको भी पढ़ना है एटलीस्ट, क्योंकि मेरा इंटर ही लक्ष्य नहीं है, इंटर के बाद घर पे नहीं बैठना है ना, कुछ करना है, कोई कंपटीशन बीट करना है, कुछ अच्छा आगे परफॉर्म करना है। तो ये था फिजिक्स और बायो। नेक्स्ट केमिस्ट्री के लिए क्या प्रॉपर प्लान है? केमिस्ट्री में रिएक्शन है, सेकंड पेपर रिएक्शन पूरा हुआ है, जितना ज्यादा लिख के जितना ज्यादा प्रैक्टिस लिखने की उतना ज्यादा याद होगा, याद करना कोई सोचे पढ़ पढ़ के याद हो जाएगी रिएक्शन तो वो नहीं। मेरी मैं पूरी कॉपी, एक कॉपी थी दो कॉपी, उसी में पूरा रिएक्शन वर्ड बाय वर्ड से कॉलम पूरा छोटा छोटा पूरा रिएक्शन हमेशा क्लास में भी 5 मिनट का 10 मिनट का गैप मिलता था तो रिएक्शन पढ़ते बार बार बाय बार पूरा लिखते रहो जब तक लिख पाओ। एक बार पूरा तैयार किए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको बनाने की विधियाँ किसी चीज़ को, 12-13 हेडिंग है, 2 बार किताब से देख के किए, तीसरी बार से खुद से करना है उसको पूरा हेडिंग बाय हेडिंग पूरा अच्छे, और उसको छोड़ दे सोचें कि एक बार गियर अपने आ गया फिर छोड़ दिए, 2 दिन बाद किए तो भूल गया सब पूरा। उसको लगातार पर डे जब समय मिले 5 मिनट का 10 मिनट का बगैर बुक होना हो तो जो याद रहेगा, जैसे बेंजीन ले लिए बेंजीन का 2 दिन पहले पढ़े थे बेंजीन तो 2 दिन बाद बेंजीन का देखें कितना याद है। 5 मिनट का समय है स्कूल में, 10 मिनट का समय है, 4-5 मिनट समय लिखी उसको प्रिपरेशन कर लिए, पर घर पे गए जो मिस्टेक थी घर पे क्लियर किया, सॉल्व सॉल्व करना मैन रूप से सर से कंसल्ट करके उसको दूर कर देना, रिएक्शन उसमें मेन रहता है। फर्स्ट पेपर की रिएक्शन बुक टफ है, उसमें मोल वगैरह एडजस्ट करना तो उसको भी लिख लिख के याद करना रहता है फर्स्ट पेपर का। तो केमिस्ट्री ये है कि पढ़ के याद कर सकते हो, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज है, तुम ऐसे सोचो कि मैं पढ़ता जाऊँ तो पढ़ के कुछ नहीं होगा उसको, क्योंकि C6H12O6 कुछ और है और वो एड कर दोगे तो कुछ और है इस तरह से। तो जब उसको लिख लिख के एवे की कोई भी गैस है क्लोरीन फ्लोरीन जो भी हो तुम्हारे सिलेबस में, अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है और क्लीवेंशन अभिक्रिया क्या है, मुझे तो बहुत दिन हो गया और क्या होता है जो भी है हेलो अभिक्रिया एचपीजेड अभिक्रिया और जो भी है वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया है ना, इस टाइप की जो भी थी। तो ये सारी अभिक्रियाओं को तुम पर्टिकुलर लिख के एक बार नहीं कंटिन्यूअसली लिखते रहो एक दिन पूरा हुआ फिर से रिपीट करो दूसरे दिन। एक पढ़ने का सबसे साइकोलॉजिकल मेथड होता है कि कोई चीज अगर आज पढ़ी है तो वो कल बहुत ही कम याद रहेगी इन कंपेयर टू अगर तुम आज कोई चीज पढ़ते हो तो सबसे पहला तरीका उसको एक दिन बाद जरूर रिवाइज कर लो, पहला रिवीजन एक दिन बाद, अगला रिवीजन एक हफ्ते बाद। आज तुम कोई चीज पढ़ो खूब अच्छे से पढ़ डालो, पढ़ डालने के बाद आज अपना पढ़ाई रख दो बंद करके, एक दिन बाद फिर से उस चीज को जरूर रिवीजन करो, वो चीज तुम्हारे दिमाग में सेव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक दिन बाद अब फिर तुमको पूरे हफ्ते पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब एक दिन बाद के बजाय तुम एक हफ्ते बाद उसका फिर से पूरा कुछ मटेरियल को रिमाइंड करोगे। पहला प्रिपरेशन आज करने के बाद एक दिन बाद, नेक्स्ट एक हफ्ते बाद, एक साइकोलॉजिकल रूल है मुझे नाम नहीं पता है, किसी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने ऐसा तथ्य लिखा है, अब इसके ऊपर प्रैक्टिकली कितना सत्य है वो खुद पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ और हो इनके लिए कुछ और, ये अलग बात है। जो रूल है मुझे मैंने पढ़ रखा है उसको मैं बता रहा हूँ। तो पहला रिवीजन एक दिन बाद, अगला रिवीजन एक हफ्ते बाद और अगला रिवीजन 1 मंथ बाद, अगर तुम ये 3 रिवीजन किसी भी टॉपिक को लेके कर लोगे तो वो तुम्हारे परमानेंट मेमोरी में हमेशा चला जाएगा, वो चीज फिर तुम कभी भी पढ़ोगे तो तुमको ये नहीं लगेगा कि ये हम कभी पढ़े हैं हमको याद नहीं आ रहा है, वो काफी हद तक तुम्हारे दिमाग में सेव रहेगा। सो एक रूल बना लो कि पहला रिवीजन कम से कम ज्यादा से ज्यादा तो तुम जितना पढ़ पाओ उतना पढ़ सकते हो, तो पहला रिवीजन आज पढ़ो कल कर लो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा वो चीज, फिर हफ्ते भर तुमको कुछ नहीं भूलेगा, फिर एक हफ्ते बाद जब भी तुमको टाइम मिले तो उस चीज को फिर से पढ़ लो, एक हफ्ते बाद के बाद फिर तुमको नहीं पढ़ना है तीन वीक मैंने पूरा 3 वीक अपना नया नया चीज पढ़ते रहो ये रूल लगा के, और 3 वीक बाद फिर से जब 1 महीना कंप्लीट हो तो उसको पढ़ सकते हो। दूसरा चीज, और बाकी मैंने मैथ में भी ये तरीका बता रखा है कि न्यूमेरिकल लगाते थे तुम एक तरफ से कुछ नहीं कर सकते हो, मैंने कहा कि जैसे आज तारीख है 1 मई तो आज हम वो सवाल लगाएंगे जो 3 से मल्टीपल हो जाते हैं, आज मुझे 3रा, 6वा, 9वा और 12वा, 15वा सवाल लगाना है, तो ऐसा लगाने से तुमको कभी बोरियत नहीं महसूस होगी, ये तरीका तो फिजिक्स के लिए भी लगा सकते हो। तुम 3 चैप्टर पढ़ लिया तुम पहले चैप्टर का सवाल लगाओगे पहला सवाल क्यों बराबर है एनी पे, तो चाहे 5 सवाल लगा डालो या 500 सवाल लगा डालो लगेगा तो क्यों बराबर है एनी पे ही ना, फिर उस पर बहुत ज्यादा वर्क करने का एक दिन में जरूरत नहीं है। आज तुम रिवीजन करने बैठो तो 3रा सवाल 6वा 9वा
ये एक लॉजिक जहाँ पे भी पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो कि यार मैं 3 से मल्टीपल होने वाले सवाल लगाऊंगा, तो 3, 6, 9, 15 बार लगा लोगे तो एक चैप्टर जो है 10-12 सवाल हो गया, अगला चैप्टर का लगा लो। फिर जब एक हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद फिर से दोबारा तुम्हारा फिजिक्स का उसका टर्न है तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से, तो बोलो कि यार मुझे दूसरा 2 से मल्टीपल सवाल लगाने हैं, तो दूसरा 4th, 6th, 8th लगा डालो। ऐसा करोगे तो देखोगे तुम्हारे पास पूरा एक सिस्टम बन जाएगा ना। एक दिन ऐसा तुम्हें पूरा चैप्टर तैयार और तुम्हें बोरियत भी नहीं लगी और तुम जान भी जाओगे मुझे कौन सा सवाल नहीं आया। अब एक सवाल मान लो कोई भी लॉजिक है कूलाम के नियम पे, तुमको लगा पहला सवाल देखे कि हाँ ये तो मुझे लग गया आराम से, दूसरा लगे वो भी लग गया, तुमको लग रहा है कि हम नीचे के सारे ऐसे हैं मेरे से लग जाएंगे, लेकिन हो सकता है कोई बीच में टफ सवाल हो ना, तो वो तुमको हमेशा के लिए परेशानी और परीक्षा में आएगा। तुमको लगेगा पढ़ा तो मैंने है लेकिन मैंने लगाया नहीं इसलिए मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा करने पर तुमको समस्या हो सकती है। जो मैं लॉजिक बता रहा ये दुनिया का सबसे बेहतर तरीका है रिविजन करने का, कोई भी चीज बना लो तुमको, और बड़ा बड़ा जैसे एक चैप्टर में 70 सवाल है तो जरूरी है 3 से मल्टीपल होने वाले हैं, तो 5 से मल्टीपल होने वाले सवालों को ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, 50 खत्म कहानी, 10 सवाल लगाओगे पूरा चैप्टर तैयार। अगले दिन और 4 से मल्टीपल होने वालों को ले लो, कभी तुम बोर नहीं होगे, देखो पढ़ाई इंटरेस्टिंग बन जाएगी। इस तरह से कुछ भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए कंबाइन, दोनों के लिए क्या कंबाइन तरीका बताओ कोई। ये सबसे लोग बहुत लाइटली लेते हैं हिंदी और इंग्लिश को, और बहुत सारे लोगों का परफॉर्मेंस फैक्टर इतना भी हिंदी इंग्लिश में कितना है, 80 मार्क्स है इंग्लिश में, और 80 से अबव होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, और बाकी सब में 90 अबव है, तो 80 मार्क्स कम ही है और उसके कंपेयर में। तो इंग्लिश के लिए क्या प्लान करना चाहिए, क्या तुमको लगता है कि क्या मिस्टेक? हिंदी और इंग्लिश में तो वही लॉन्ग आंसर जीवन परिचय सब पूरे क्लास को सेम लिखाया जाएगा, पूरे क्लास को सारे बोल दिखे देंगे, सब लोग लिख देंगे, उसमें काफी चेक होगी जब सब लोग सेम लिखे हैं, नंबर भी सेम मिल रहा है, लगभग किसी का तो एक ज्यादा किसी की किस्मत है तो मिल गया ज्यादा, उसमें दिखाना रहता है कि हमने कैसे लिखा सबसे अलग। हिंदी वगैरह में सब लोग वही लिखेंगे लेकिन जब मेरी कॉपी कुछ अलग रहेगी तब उनको नंबर मिलेगा ज्यादा। जैसे मैं जीवन परिचय वगैरह लिखता था तो उसमें पूरा हाईलाइट कर देता था, जन्म पूरा वगैरह सब कुछ ऊपर सबसे पहले लिखना, उनके बारे में जान, उनका प्यार, उनकी विशेषताएं सब ऊपर लिख देते थे, बाकी नीचे की कहानी सब बाद में। तो जब एग्जामिनर चेक करे तो ऊपर का ही पढ़ ले सब पता चल जाए, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, ऊपर का पढ़ ले नीचे लिख दिया। और व्याख्या वगैरह लिखना है उसमें सब में साहित्यिक सौंदर्य लिखे, नीचे भावबोध डाल दिए, दो तीन इनके हिसाब से इस पोएम पे इन्होंने ये लिखा था, इस पे इन्होंने ये लिखा था। तो हिंदी वगैरह और इंग्लिश में तो लॉन्ग आंसर वगैरह लिखना है तो मैं लॉन्ग आंसर लिखता था तो उसके ऊपर जिस लेसन का लॉन्ग आंसर रहता था उस लेसन का नाम, उस लेसन के राइटर का नाम, पोयम आई तो सेंट्रल आइडिया लिखना रहता था तो ऊपर लेसन का नाम, लेसन के नीचे तुरंत राइटर का नाम, तब जो शुरू करना। शॉर्ट आंसर लिखना था, बिना हेडिंग के शॉर्ट आंसर भी नहीं लिखता, कभी नहीं लिखा था टेंथ से ही, हाँ कैसे सब बताए थे कि टेंथ में हेडिंग डाल के लिखना शॉर्ट आंसर, तो हेडिंग डाल के शॉर्ट आंसर भी लिखता था। और इंग्लिश में व्याख्या आती है उसको लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन, उसके बाद नीचे एक्सप्लेनेशन सब भी उसके नीचे राजीव सर बताते हैं, बताए भी होंगे एक्स्ट्रा क्या है उस पोएम से संबंधित या उस पैसेज से संबंधित एक्स्ट्रा लिखना, वो भी लिखना रहता है, ये सब नंबर दिलाते हैं ज़्यादा। तो कुछ अलग करना है, सीधी बात, एक वर्ड में कंफ्यूजन कि अगर सबकी तरह रहेगा तो सबकी तरह नंबर आएगा, सबसे अलग रहेगा तो कुछ अलग जरूर दिखेगा। मैंने ऐसा सुन रखा है कि शिवम के पास कोटेशन की बहुत अच्छी कोई बुक इन्होंने बना रखी है हिंदी और उसके इंग्लिश के एसे के लिए, जो लोग लेना चाहे वो इसे पढ़ लें, उसके लिए मैं इनको प्रेशर नहीं करूंगा ना मैं तुमको जरूरी सजेस्ट करूंगा, जो लोग चाहते हैं बेहतर करना, इन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन बना रखा है बाकायदा पर्टिकुलर हिंदी में हर एक एसे का और इंग्लिश में हर एक एसे का या जिस भी चीज का हो मैंने सुन रखा है, तो उसको हट गया टॉपिक, अच्छा लॉन्ग आंसर हट एसे से हट गया, कोई बात नहीं, तो अगर चाहो तो ले सकते हो, इनसे मिल सकते हो पर्सनली भी, तो पर्सनली मिल के इनसे जो कुछ भी तुमको एडवाइस चाहिए होगा वो ले सकते हो। तो ये थी शिवम की स्ट्रेटजी पढ़ाई की, और ऐसा पढ़ के इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, एक जो हमेशा एक क्यूरियस स्टूडेंट रहे, क्यूरियस मतलब कि जिज्ञासु ना, जो जानने की इच्छा, सवाल पूछना, ये सब चीजें आदमी को सबसे हटके बनाती है। और पर्सनली सब लोग बैठते हो, मुझे सबका नाम नहीं याद हो पाता है, मेरी समस्या है कुछ,
उसके बाद स्कूल में भी सब लोग रहते हो, सबका नाम नहीं याद हो पाता, लेकिन अगर कोई बंदा बार बार खड़ा होकर पूछ रहा है सर ये बता दीजिए, तो डेफिनेटली एक बार दो बार तीन बार चार बार मुझे उसका नाम जरूर याद हो जाएगा और वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि हाँ ये था, कुछ पूछता था, क्यूरियस था। मेरे दिमाग में वो मैटर नहीं करता कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुम टॉपर हो क्या हो, डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए मैटर करता है तुम अभी जब पढ़ने आए हो मेरे से, 11 फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, 12 फिजिक्स तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी क्या है फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स में क्या नए सवाल ला के पूछते हो। सो दिस डिपेंड्स फॉर मी। और ये था शिवम का पढ़ाई का तरीका। अब पूछते हैं सौरभ से। सौरभ सॉरी भास्कर से। भास्कर फिजिक्स केमिस्ट्री सबका बताए, तुमको मैथ का तरीका बताना है लोगों को कि मैथ में क्या किया जा रहा है। मैथ में बताओ कैसे तैयारी करना चाहिए। जो जो पढ़ाए उसको डेली पढ़ लिया करना आपको।